तो कैसे आप सभी बच्चे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे, मेरा नाम है जय और मैं आज आप लोगों को आपके तीसरे प्रश्न का, तीसरे अध्याय का हल कराऊंगा जीव विज्ञान का। आप लोग यदि पहली बार इस चैनल पर टपके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्या, घंटा बजाने आता है ना, कभी नहीं बजाए हैं, चलिए ट्राई कर लीजिए, बजा लीजिए। देखिए, जीवों में विविधता, ये अध्याय नंबर 3 है। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया था? देखिए, सबसे पहले हमको ये विविधता, आप सभी जानते हैं कि हमारे हमारा जो धरती यानी पृथ्वी है, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि दिक्कत ये है कि यहाँ विविधताएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, बहुत अलग अलग। आप देखेंगे मछली भी हैं तो इतने तरह के मछली हैं, वेल देखने में लगती तो है मछली पर वो मछली नहीं है, समझ रहे बात को? तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं। अब मगरमच्छ को क्यों कहते हैं, क्यों मछली में गिनती नहीं करते हैं? अब मगरमच्छ है जो पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको पानी से निकाल दो वो मर जाएंगे, जैसे कि मछली। कुछ ऐसे हैं जिनको पानी में डाल दो वो मर जाएंगे, जैसे कि हम इंसान जंतु वो मर जाएंगे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ पानी में ही जन्मेंगे, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि जमीन पे उपजेंगे। तो ये सभी चीजें हैं, इतनी सारी विविधताएं हैं। कुछ है जो उड़ लेते हैं तो कुछ है जमीन पे चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, है ना? आप भी चलते हैं ना, उड़ते हैं, लिख के बताइएगा कमेंट में, है ना? तो देखिए वही है, तो सबको अब कैसे पहचाना जाए, सवाल ये उठा कि कैसे, किस तरीके से लोगों को वर्गीकृत किया जाए। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाघ, हम इंसान, सभी हैं तो अलग अलग, दिखते तो अलग अलग हैं परंतु हैं सभी के सभी जंतु जानवर, समझ रहे हैं बात को? यही है वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग लोग आए, अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना नाम किया। इसमें सबसे पहला प्रयास अरस्तु ने किया था, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग आए। तो किसी किसी ने 2 किंगडम में बांटा, किसी किसी ने 3 में, किसी किसी ने 4 में, किसी किसी ने 5 में। आज हम 5 को मानते हैं। याद रखिएगा, वर्गीकरण के पिता हम कार्ल लिनियस को कहते हैं। याद रखिए, एक और भी बात मैं बता दूं आपको कि इस जगत में वर्गीकृत, 5 5 जगत में वर्गीकृत करने का काम आरएच विटेकर ने किया है, न कि कार्ल लिनियस ने। आज हम उनकी बात को ठुकराते हैं, लेकिन प्रथम साइंटिफिक तरीके से उन्होंने इस तरीके इस चीजों को बांटने की कोशिश की थी, डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी, ठीक है? किसने किया था? तो ये करने का काम किया था कार्ल लिनियस ने, इसीलिए उनको हम वर्गीकरण का जनक के भी नाम से जानते हैं। राजा जनक नहीं, वर्गीकरण के जनक। देखिए, तो जीवों को कितने अभी फिलहाल 5 भागों में बांटा गया है, पर किसने बांटा है? आर एच विटेकर। देखिए यहाँ पे आर विटेकर है ना, उत्तर इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण प्रतिष्ठा जगत किस किस में बांटा है? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसमें इन्होंने बांटा है। तो इसमें प्रोटिस्टा भी एक है उसी का। जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है, देखिए, केंद्रक झिल्ली का अभाव, उनमें केंद्रक झिल्ली का जो होता है वो अभाव होता है। क्यों? क्योंकि उनमें केंद्रक होता ही नहीं। प्रोटिस्टा जो होते हैं सभी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे या कोशिका से मिलकर बने होंगे, उनमें जब केंद्रक ही नहीं है, और जब उनमें केंद्रक के नहीं है, जब उनमें केंद्रक ही नहीं है, तो फिर केंद्रक झिल्ली कहां से पैदा हो जाएगा? अरे उन्हीं को तो घेरने वाले झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रक झिल्ली। फुफुंद यानी ईस्ट के एक कोशिकाएं या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने करने के लिए क्या पाया जाता है? ठीक है, इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, हाई फैक पाया जाता है। निम्न में से कौन सा फुफुंद जगत का सदस्य नहीं है, यानी ईस्ट वाले का जगत का सदस्य नहीं है? देखिए, म्यूकर है, ईस्ट तो खुद है, और यहाँ पेनिसिलिन ये भी है। देखिए, पेनिसिलिन से सबसे पहला एंटीबायोटिक दुनिया का बनाया गया है, ये बात आप सभी लोग जान जाइए, ठीक है? और यहाँ पे उत्तर इसका क्या होगा, एक्टिनोमाइसिटीज इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न, निम्न में एक क्रिप्टोगैमस
क्रिप्टो गैमस का सदस्य नहीं है, ठीक है, कौन सा है बताइए? थैलोफाइटा नहीं है कि ब्रायोफाइटा नहीं है और उसके सदस्य नहीं है, या टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? देखिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। देखिए क्रिप्टोगेमस होता है, एक फेनेरोगेमस होता है। क्रिप्टोगेमस का मतलब होता है कि वैसे पौधे जो फूल नहीं देते हैं, फेनेरोगेमस जो कि फूल देते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है क्रिप्टोगेमस का सदस्य नहीं है, यानी वैसे पौधे का नाम बताना है जो फूल देते हैं, ये देते हैं। उसके अलावा इसको भी बांटा गया है अलग अलग, जिनका जिनके अंदर बीज होता है, किसी किसी में सिंगल बीज होता है, कोई दू गो चिपका रहता है, जैसे बीन्स। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है, इसका उत्तर साफ साफ दिख रहा है, देखिए द्विबीजपत्री, ये जिम्नोस्पर्म नहीं है। अगला देखिए, लाइकेन वास्तव में क्या होता है? लाइकेन क्या है वास्तव में? शैवाल है, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है बबुआ। फुफुंद का बिल्कुल भी नहीं है, है ना। और उसके बाद देखिए यह क्या है, ये उदाहरण, लाइकेन वास्तव में रूपांतरण है, लाइकेन किसका रूपांतरण है? तो याद रखिए शैवाल और फुफुंद का। उत्तर इसका हो जाएगा सी, मांस एवं लिवर वर्ट्स के उदाहरण है। मांस एवं लिवर वर्ट्स के उदाहरण है कौन कौन से हैं? ब्रायोफाइटा, एल्गी, एल्गी इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा, इसका उत्तर ब्रायोफाइटा होगा, ए हो जाएगा। किसी जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें से किस जंतु में ऐसा होता है? तो उत्तर देखिए टेप वर्म में ही तो पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा कछुआ, इसमें विषैला उपांग नहीं पाया जाता है। जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है? देखिए कोशिकाओं के विकास के आधार पर मैंने बोला है जंतु जगत तो है, लेकिन जंतु जगत को भी दो भागों में बांटा गया है। अब उसका आधार अलग अलग बनाया गया, जिसमें से एक आधार है कि कोशिकाओं का विकास का आधार। जैसे इसका उत्तर क्या, प्रोटोजोआ मेटाजोआ, यही तो उत्तर होगा, पहले उत्तर होगा ए हो जाएगा इसका उत्तर। वर्गीकरण की इकाई क्या है बताइए? वर्गीकरण की इकाई क्या है? देखिए इसका सबसे छोटी इकाई जो है वो होगा स्पीसीज, और सबसे बड़ी इकाई किंगडम, सबसे छोटी स्पीसीज, ठीक है ना। उसके बाद जीनस, ऐसे होता है। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? सबसे प्राचीन जगत कौन सा है बताइए? भाई मोनेरा है, क्योंकि सबसे पहले धरती पे आने वाले जीवाणु हैं, और जीवाणु किस जगत में आते हैं? मोनेरा में। तो ये उन्होंने भी यही बात कही। इनमें से कौन सा क्रिप्टोगैमी कहलाता है? वैसे पौधे जो कि फूल नहीं देते हैं। तो देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सभी के सभी वैसे ही हैं, जिनके पास कोई फूले नहीं। किस काम के पौधे हैं? इसमें पौधा कभी लगाइएगा आप, पर सबका अपना अपना उपयोग है आज के डेट में। 15, इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? देखिए ये बीज नहीं, बीज होगा, बीज होता है परंतु फल नहीं। तो जिम्नोस्पर्म में बीज होता है लेकिन इसका फल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट बीज होता है, नग्न बीज पौधा है। देखिए किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया था? द्विनाम पद्धति जिसमें दो ही नाम दिए जाएगा, मतलब जैसे मैं बोल दूं गाय का नाम बताइए, आप कहेंगे आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, बॉस इंडिकस, एले, ऐसे ऐसे दो दो नाम है। तो ये द्विनाम पद्धति देने का काम जो है कार्ल लिनियस ने किया था, इन्होंने दो जगत में बांटा था। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है और न तो यूकैरियोटिक है? न तो प्रोकैरियोट है न तो यूकैरियोट है बताइए। ये तो है प्रोकैरियोट है, फंजाई क्या है, ये यूकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोकैरियोट है, इसका उत्तर होगा वायरस। निम्न में कौन दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? देखिए कौन से दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? शावक, टाइगन, टॉयगन,
या लाइगर या म्यूल, इसका उत्तर हो जाएगा शावक। दूध से दही बनाने वाले सजीव जगत के सदस्य, अरे भाई बैक्टीरिया, मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं कौन कौन से? लैक्टोबैसिलस नाम होता है, वो एक तरह का जीवाणु बैक्टीरिया जिसको दूध में डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। समझ रहे हैं ये कहाँ पाया जाता है? ये दही में पाया जाता है। और एक दही को देख के देखते हैं, मम्मी दूध में डाल देती है, रात भर रहता है और सुबह में वो दही बन जाता है। न्यूमोनिया, टीवी, कोड़ रोग पैदा करने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य हैं। तो न्यूमोनिया, टीवी, कोड़ रोग, ये देखिए ये सभी के सभी जो रोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सी बैक्टीरिया जनित रोग हैं, जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। और जीवाणु कौन से जगत में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। समझ रहे हैं ना, इनके ही कारण से डिप्थेरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनस, काला अजर, कुष्ठ रोग, टाइफाइड और न्यूमोनिया, ये सभी के सभी बीमारी जीवाणु से होते हैं। और जो जीवाणु है वो मोनेरा जगत के हैं। उत्तर ए हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है? जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है? स्तनधारी वर्ग है कि मत्स्य वर्ग है कि पक्षी वर्ग है कि रिप्टेलिया है? देखिए मत्स्य वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा विकसित वर्ग है। अभी तक किसका ही सबसे ज्यादा विकास हुआ है? एनेलिडा में विकास कैसा? इनका कैसा विकास? पढ़ाई लिखाई करेंगे वो? नहीं, उनके शारीरिक विकास। एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं। एनेलिडा जो होता है एक तरह का जीव होता है, मतलब एक जगत है वो भी एनेलिडा में, लेकिन उनमें उत्सर्जी अंग कौन सा है जिससे वो अपने शरीर के अंदर के वेस्ट को, खराब चीजों को बाहर निकालते हैं? तो इसका देखते उत्तर में ये है गुर्दा, दूसरा है नेफ्रिडिया। उत्तर यही हो जाएगा, बी हो जाएगा, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। बुक लंग पाया जाता है कहाँ? बिच्छू में, तिलचट्टा में, रोहू एक मछली होती है उसमें, या चूहा में? देखिए बुक लंग पाया जाता है बिच्छुआ में। पक्षियों और मेंढकों के रक्त में रक्त की प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है, उष्ण कि शीत कि ठंडी होती है, कि असमान होती है कि समान होती है? देखिए इन दोनों की असमान होगी, एक का गर्म और एक का ठंडा, गर्म ठंडा, ठीक है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिलेंटेराटा या उपास्थि युक्त मत्स्य, यानी कि ऐसा मत्स्य जिसमें हड्डी वड्डी होगा, या अस्थि युक्त मत्स्य या स्तनधारी। तो यहाँ पे देखिए ये अस्थि युक्त है, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। लेटरल लाइन सिस्टम किसमें पाया जाता है? लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है आपके, देखिए 26 नंबर का ये हो जाएगा, मछलियों में पाया जाता है। इनमें से किस सरीसृप के हृदय में चार कक्ष होते हैं? अजगर में, कछुए में, गिरगिट में कि मगरमच्छ में? देखिए मगरमच्छ एक ऐसा प्राणी है जिसमें भी चार चैम्बर पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी चार पाए जाते हैं, मेंढक में भी पाए जाते हैं। इनमें कौन नहीं उड़ने वाली पक्षी है? ऑस्ट्रिच उड़ती है क्या? नहीं उड़ती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं उड़ती है, और इमू भी नहीं उड़ती है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है? घोंघा का। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? एनेलिडा का, पोरिफेरा का, निमेटोडा का, या इकाइनोड माटा का, डरमाटा का? इसका उत्तर होगा इकाइनोडर्माटा। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है किसका? पोरिफेरा का, कॉर्डेटा का, या एनेलिडी का? यही तो होगा उत्तर बी, एनेलिडा का, नेफ्रिडिया। अभी तो बताया था ना, ऊपर में ही था प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्रणाली, सॉरी प्राणी है, शीत रक्तीय, ठंडा
ठंडा खून वाला प्राणी, ये होगा मेंढक। ऊपर में ऐसा ही प्रश्न था, एक चिड़िया और मेंढक का देख के पूछा था कि कैसा रक्त है, तो हमने लिखा था क्या असमान है। भाई असमान ही क्यों लिखा था हमने, असमान तो लिखने का कारण न था बचवा लोग, कारण था क्या, कारण था असमान लिखने का, क्योंकि एक ठंडा एक गर्म है तो दोनों का, इसलिए 32। फफूंदी यानी ईस्ट की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है, काइटिन से, काइटिन से होती है, ठीक है। अधिकांश शैवालों में भाजन का संचयन, देखिए ये भोजन होगा, का संचयन किस रूप में होता है, शैवालों की बात करी जा रही है, तो याद रखिएगा स्टार्च और वसा के रूप में शैवाल अपने भोजन का संचयन करते हैं, यानी बचा के रखते हैं। पौधे भी स्टार्च के रूप में ही रखते हैं, और हम इंसान ग्लाइकोजेन के रूप में रखते हैं। प्रश्न अगला है, वर्गीकरण के उपयोग में आने वाली, नहीं 35 नंबर, लाइकेन किनके सहजीवन से बनते हैं, शैवाल और उच्च वर्गीय पादप, बिल्कुल नहीं, शैवाल एवं जीवाणु बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शैवाल और फफूंद बिल्कुल, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, इनमें सह संबंध है। वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हैकल ने डैश पद का सृजन किया, उन्होंने फाइलम वर्ग का किया था, याद रहे फाइलम पद का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, ऐसा पौधा जो खुद से भी खाना बनाता है और दूसरे पर भी डिपेंड करता है, तो ये है जीवाणु लोग का काम। इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं, देखिए फूल देने वाले फेनेरोगेमस है ना, तो ये पुष्पीय पौधे कौन कौन से हैं, देखिए मॉस नहीं, थर्न भी नहीं, लाइकेन भी नहीं, पुष्प देने वाला पौधा एंजियोस्पर्म है। किस विभाग के पौधों की पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, वर्गों का उभयचर होगा ये, आपको सही करके मिला हूं, उभयचर कहा जाता है। ए ब्रायोफाइटा, उत्तर यही होगा 40। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास रहता है, आप बताइए, एक बीजपत्री, फर्न द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म एक बीजपत्री। बच्चे देखिए ये था आपका तीसरा अध्याय, ये भी खत्म हो गया, अब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और घंटा बजाने में क्या जाता है बताइए, घंटा बजाइए जैसे मंदिर में बजाते हैं, और कभी नहीं बजाए तो बहुत तो अच्छी बात है, अभी बजा दीजिए और क्या।